Hello, class 3. Manjit sir here. How are you all? I hope you are good, well at your home. So, as usual, I have brought for you a new lesson in form of computer software. So, in previous lecture, हमने देखा था बच्चों कि computer hardware क्या होते हैं, ठीक है? जिसे हम touch कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? Computer hardware. जैसे हम लोग कुछ हार्डवेयर देखे थे इनपुट डिवाइस के फॉर्म में या आउटपुट डिवाइस के फॉर्म में, हमारे पास कीबोर्ड था, माउस था, प्रिंटर था, स्पीकर था, ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में किए हैं. तो आज हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर. तो जस्ट स्टार्ट द क्लास, वी हैव सम ग्लिम्स ऑफ चैप्टर दैट what topics will be done in this lecture. So in this lesson we have what is computer software, types of computer software, system software or application software. ठीक है, ये सारे चार topic हम इस lesson में देखेंगे. तो आज के lecture में भी सिर्फ हम what is computer software देखेंगे और types of computer software देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. सो दिस इज योर फर्स्ट पेज ऑफ सेकंड चैप्टर व्हिच इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू मस्ट हैव सीन एंड यूज द म्यूजिक सिस्टम. तो बच्चों ये कह रहा है कि आप अपने घरों में कोई म्यूजिक सिस्टम वगैरह होगा, ठीक है. ऑल द पार्ट्स ऑफ म्यूजिक सिस्टम like speaker and CD etc that you can touch and see are called hardware. तो जो भी आपके यहाँ CD player है बच्चों, ठीक है, तो उसके कुछ parts होंगे, जैसे कि अगर sound निकल रहा है तो कहीं ना कहीं उसके में speaker होगा, ठीक है. फिर जो भी media आप डाल के उसे play कर रहे हैं, जैसे CD हो गया, DVD हो गया, तो वो भी एक क्या है, entity है, हार्डवेयर है, क्योंकि उससे हम सीडी को देख सकते हैं, छू सकते हैं. तो ये सारी चीजें उस म्यूजिक सिस्टम में होती हैं, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर, ठीक है. अब एक सवाल आपसे किया जा रहा है बच्चों, कैन यू सी दोज सॉन्ग्स रिकॉर्डेड ऑन अ सीडी. क्या आप उस सीडी में भरे हुए गाने को देख सकते हैं, ठीक है, या फिर उस सीडी में जो कंटेंट है सॉन्ग के फॉर्म में, क्या वो आप देख सकते हैं? तो इसका स्लाइटली आंसर यही है बच्चों, द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो. ये हम नहीं कर सकते हैं, वी कैन नॉट सी और टच दैट कंटेंट ऑफ सीडी. फर्दर, जस्ट लाइक द सॉन्ग्स ऑन द सीडी दैट कैन नॉट बी सीन, द थिंग्स दैट आर नॉट विजिबल बट असिस्ट इन द फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर. ये कह रहा है बच्चों कि जो भी चीजें हैं, कुछ तो समथिंग है, ठीक है, वो विजिबल नहीं है, वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कंप्यूटर को असिस्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है इसमें, उसके फंक्शन को करने में. तो वो क्या कहलाएगा, हमारा सॉफ्टवेयर, ठीक है. तो ये हम कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते हैं ना देख सकते हैं, बट ये अपने इंस्ट्रक्शन के अनुसार इसके अंदर जो भी कोड होते हैं बच्चे, उसकी हेल्प से ये कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करता है, उसके जॉब में हेल्प करता है कि कौन सी काम करना है, ठीक है. तो ये तो रहा आपका इंट्रो बच्चों. अब देखते हैं सॉफ्टवेयर क्या है, व्हाट इज सॉफ्टवेयर. अ सॉफ्टवेयर कैन बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट टेल्स योर कंप्यूटर टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशन, ठीक है. तो हमारा सॉफ्टवेयर क्या है बच्चों, सेट ऑफ प्रोग्राम्स है, ठीक है, जो हमें कंप्यूटर को ये बताता है कि कौन सा ऑपरेशन आपको करना है. तो इसको आप प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कीजिए बच्चों, कि आप भी मान लो कि आप कंप्यूटर है, तो जो भी थॉट आपके अंदर आते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, सॉफ्टवेयर है. क्या आप उसे देख सकते हैं, नॉट अ पॉसिबल. क्या उसे आप छू सकते हैं, नेवर. तो सेम थिंग्स जो है ये भी सॉफ्टवेयर के साथ होता है, कि जो हमारे थॉट्स हैं वो किस तरह के हैं, सॉफ्टवेयर के हैं. तो यही प्रोग्राम जो है हम
लिखते हैं और कंप्यूटर को देते हैं ताकि वो ऑपरेशन कर सके। उसी तरह से सिमिलरली हमारा जो थॉट होता है वो हमें इंस्ट्रक्ट करता है, बताता है कि कौन सा काम हमें करना है, ठीक है। तो इस तरह से जो है फंक्शन कंप्यूटर में और ह्यूमन के बीच काम करता है। अ प्रोग्राम इन टर्न अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम सेट बाय सेट और स्टेप बाय स्टेप। सेट बाय सेट भी कह सकते हैं बच्चों, या स्टेप बाय स्टेप भी कह सकते हैं। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपको कोई काम करना रहता है तो माइंड में आप थॉट्स के फॉर्म में देखते हैं कि अगर चाय बनाना है, ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, दूध लेते हैं, फिर उसमें चीनी डालते हैं, फिर आप गैस पे गर्म करते हैं, फिर आफ्टर सम बॉइलिंग आप उसमें चाय डालते हैं, घी डालते हैं, और फिर बॉइलिंग होने के बाद उसको सर्व करते हैं। तो ये थॉट्स के फॉर्म में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आता है बच्चों कि ये काम हमें करने होते हैं। उसी तरह से ये तो हमारा माइंड है, हम ह्यूमन है, इंटेलिजेंस है, तो ये हमारे अंदर खुद ब खुद होता है। लेकिन इसके पास तो माइंड है नहीं, तो हम ह्यूमंस को क्या करना पड़ता है, इनको इंस्ट्रक्ट करने के लिए प्रोग्राम लिखते हैं किसी टेक्स्ट एडिटर में, जैसे आपका नोटपैड हो गया, वर्डपैड हो गया। तो इसमें आप इंस्ट्रक्शन लिखते हो जो कि कंप्यूटर को ये बताता है कि कौन सा काम करना है स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप इसलिए भी वर्ड इम्पोर्टेंट है बच्चों क्योंकि कंप्यूटर डजंट हैव माइंड, ठीक है, इसके पास दिमाग नहीं होता, तो ये कुछ सोच भी नहीं सकता है। तो जब आप चीजों को स्टेप बाय स्टेप या सिक्वेंसली नहीं देंगे तो आप कैसे इज्यूम कर सकते हैं कि जो आप काम इससे करवा रहे हैं वो सही हो। हम ह्यूमन इंटेलिजेंस है, हम रैंडम वर्क को कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर नहीं कर सकता है बिकॉज ऑफ इट डजंट हैव माइंड। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट पैराग्राफ। कंसीडर द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर। द कंप्यूटर एक्सेप्ट द इनपुट फ्रॉम द यूजर, प्रोसेस इट एंड गिव्स द रिजल्ट। तो इसका जो प्रोसेसिंग है बच्चों, जो इसका वर्क मॉडल है, वो तीन आइटम पे डिपेंड करता है। फर्स्ट है आपका इनपुट जो यूजर से लेगा, फिर उसके बाद इसमें एक चिप होता है या सर्किट होता है बच्चों जो उसको प्रोसेस करता है। उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन रहते हैं, सॉफ्टवेयर रहते हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे उसको वो प्रोसेस करता है और उसके बाद हमें रिजल्ट ये देता है। द मेन फंक्शन दैट इज प्रोसेसिंग इज डन बाय सॉफ्टवेयर। जो प्रोसेसिंग का जो वर्क है बच्चों वो किस पे डिपेंड करता है, हमारा सॉफ्टवेयर पे। तो अब देखिए ये जो डायग्राम है हमारा किसका, वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर। तो वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर का जो डायग्राम है देखते हैं। सबसे पहले क्या है बच्चों, यहाँ पे कीबोर्ड और माउस है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, सीपीयू को हम इंस्ट्रक्ट करते हैं, डाटा फीड करते हैं, या उस तक वहां तक हम इनपुट डिवाइस से देते हैं, ठीक है। वहां पहुंच जाने के बाद सीपीयू क्या करेगा, जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है प्रोग्राम के फॉर्म्स में उसको वहां पे वो उसके बेसिस पे वो प्रोसेस करेगा। और प्रोसेस करने के बाद वो क्या आ जाएगा, हमारा आउटपुट जो कि एज एक इमेज के फॉर्म में आप में दिख रहा है। तो इससे क्या हुआ कि आपने इनपुट से वो किया जो एक इमेज को डिस्प्ले करेगा जो कि सनफ्लावर कंटेनिंग किए हुए हैं, और उसके अकॉर्डिंग सीपीयू ने प्रोसेस किया और मॉनिटर में रिजल्ट जो है आपको दिख रहा है, एक इमेज है उसमें सनफ्लावर्स हैं, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं। द गेम्स दैट यू प्ले ऑन अ कंप्यूटर एंड द प्रोग्राम्स दैट टीच यू अ न्यू एंड इंटरेस्टिंग थिंग्स आर द एग्जांपल ऑफ द सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो आप बच्चे हैं, आपका बहुत सारा खेलने में समय जाता है, ठीक है बच्चों। तो आज के संदर्भ में स्मार्टफोन हम सभी के पास है, और आप लोग इसका किसके लिए प्रयोग करते हैं, गेम खेलने में। तो गेम क्या है, एक तरह का सॉफ्टवेयर है, या फिर कुछ नई नई चीजें आप सीखते हैं, आपके माइंड में जो भी सवाल आते हैं उसके बेसिस पर आप सर्च करते हैं और कुछ नई चीजें सीखते हैं। तो किसके बेसिस पर होता है बच्चों, सॉफ्टवेयर के बीच में, सॉफ्टवेयर के बेस पे। तो ये सारी बातें रही बच्चों सॉफ्टवेयर के बारे में। अब देखिए अनदर एग्जांपल है। द टेलीविजन इज द हार्डवेयर बट द प्रोग्राम दैट यू वॉच ऑन इट आर द सॉफ्टवेयर। तो टीवी हमारे पास क्या है बच्चों, एक हार्डवेयर है
टीवी को हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो इसमें प्रोग्राम जिसके थ्रू से देख रहे हैं, टीवी पे आप वो तो देख रहे हैं, स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो मूवी है आप देख रहे हैं, लेकिन वो मूवी किसकी हेल्प से चल रहा है, किस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग चल रहा है, ये आप नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा बच्चों एग्जाम्पल। अब आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर बच्चों सिर्फ दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इन चीजों को हम क्या करेंगे फर्दर लेक्चर में देखेंगे, और हम उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो फिर भी कुछ ना कुछ क्यूरियस आपके जहन में है, तो मैं ये बता दूं कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो एक सोल का काम करता है। जिस तरह से अगर हार्डवेयर में अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर ना हो तो हार्डवेयर क्या होता है, बेजार सा होता है, ये कुछ नहीं कर सकता है। और जब वो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर आ जाता है तो हम अपने मन चाहे काम इसके थ्रू करते हैं, किसके थ्रू, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो ये तो ग्लिम्स रहा बच्चों टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में, जो हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए टिल देन बाय।